हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना जी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना जी इस संघर्ष के प्रतीक है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना जी अगर करौली में नहीं गए होते, जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ वो केस रफा दफा हो रहा था, आप गए धरने में बैठे तब जाके सच्चाई सामने आई। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना जी पत्रकार बंधु, अभी अरुण सिंह जी ने जो राजस्थान में महिला और दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी, लेकिन एक अशोभनीय बात यह है कि जब विधानसभा में महिलाओं पर वोट केंद्रित ज्यादा हो रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही थी, तो राजस्थान सरकार के जिम्मेदार मंत्री सदन में ये बात कहते हैं कि राजस्थान के लोग मर्द हैं। ऐसे अशोभनीय बात राजस्थान के नंबर दो मंत्री माननीय शांति धारीवाल जी ने कहकर महिलाओं का, पीड़ित महिलाओं का और अपमान किया। और आपकी जानकारी में आया होगा कि जब पुलवामा का हमला हुआ था तो राजस्थान से 5 लोग शहीद हुए थे, उनकी वीरांगना को जो पैकेज देना था राजस्थान की सरकार की तरफ से वो नहीं दिया गया। और जब वो मुख्यमंत्री से मिलने गई तो मुख्यमंत्री जी मिले नहीं और 10 दिन तक वो महिलाएं जयपुर में ये मांग लेकर बैठी रही कि मुख्यमंत्री जी को हमारा दर्द बयां करना चाहती है, मिलना चाहती है। मुख्यमंत्री जी उनसे मिले नहीं, बड़ी को उनको ठाका बेइज्जत करके बाल खींच के साड़ी खींच के उनको गिरफ्तार कर लिया। तो महिलाओं का ही नहीं, वीरांगनाओं का जिन्होंने देश के लिए जिनके पति ने अपने प्राण न्योछावर किए उन तक का अपमान राजस्थान में किया है। जैसा भी अरुण सिंह जी बता रहे थे कि देश के इतिहास में तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी शासन सचिवालय में 2 करोड़ 31 लाख रुपये और सोने की सिल्ली मिल जाए, ये राजस्थान में हुआ है। आईटी में घोटाला करीब 5,000 करोड़ का है। जल जीवन मिशन में भारत सरकार ने 30,000 करोड़ रुपये राजस्थान को दिया है जिसमें 20,000 करोड़ का घोटाला है। 30 से 40% अबो के पूलिंग करके टेंडर दे दिए गए, हमारी पार्टी ने आंदोलन किया तो उसको निरस्त करना पड़ा। साथ में ऐसी फर्जी कंपनियों को काम दे दिए जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, जिनका टर्नओवर नहीं था, ऐसी फर्मों के भी जब हमने आंदोलन किया तो उनको टेंडर निरस्त करने पड़े। और आपको जानकारी में देना चाहता हूँ कि करीबन 200 करोड़ रुपए की फाइलें शासन सचिवालय से जल जीवन मिशन की घोटाले की गायब कर दी। राजस्थान में अब तक 17 परीक्षाएं हुई हैं, 17 परीक्षा के सारे पेपर लीक हुए हैं और करीबन 1,12,00,000 बेरोजगार युवाओं ने एप्लीकेशन दी थी जिसमें से 67,00,000 जवानों ने परीक्षा दी थी और सारे पेपर लीक होने के कारण बच्चे जवान बेरोजगार निराश हैं। 67,00,000 एप्लीकेंट के साथ गहलोत सरकार ने पेपर लीक करके उनके भविष्य को बर्बाद किया। आरपीएससी जैसी संस्था के से पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर पढ़ाए जा रहे हैं जिसका परिणाम ये है कि आरपीएससी के मेंबर तक को गिरफ्तार किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने पेपर लीक कर रहा है, नीट का पेपर लीक हुआ था जिसका आंदोलन हमारी पार्टी ने किया था, उस आंदोलन के कारण उनके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बीपी जावली को बर्खास्त कर दिया। तो उन्होंने बयान दिया था कि नहीं, इसमें तो बहुत बड़े बड़े नेता शामिल है, इसके कारण एसओजी जो जांच कर रही थी उसने उनको क्लीन चिट दे दी। क्योंकि अगर उनसे सख्ती से पूछा जाता है तो कई सत्ताधारी दल के नेता राजनेता दूर दूसरे अफसर पकड़े जाते, लेकिन उसी से सख्ती से पूछताछ नहीं की। और रीट के पेपर में फिर शिकायत हमने सीबीआई की मांग की थी, नहीं मानी तो ईडी उसकी जांच कर रही है। और ऐसा लगता है कि जिन लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है उसमें निश्चित रूप से कुछ ईडी निकालेगी और भ्रष्टाचारियों पर नकेल डालेगी। आरएस जैसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाना और फर्जी लोगों को आरएस बना देना, सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हो जाना, उनसे 10-10 लाख रुपए लेकर उनको पास कराना और इंटरव्यू भी वही बाबूलाल कटारा ले जो बाद में पकड़ा गया, इस ढंग से आरपीएससी
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जो अधीनस्थ बोर्ड है जहाँ चयन होता है वो सब भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। उसमें से सत्ताधारी दल के एमएलए और कई मंत्री उनसे जुड़े हुए हैं, अपने लोगों को पास करवाया, अपने लोगों का चयन करवाया। जहाँ तक किसान कर्जा माफी का मामला है, कुल राहुल गांधी जी गए थे, 1 से 10 तक गिनती करके 10 दिन में सर्व कर्जा माफी की बात की थी, लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ, कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। और जैसा कि अरुण सिंह जी ने बताया है कि 20,000 किसानों को उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने का या पूर्व करने का नोटिस सरकार ने दे दिया है। बेरोजगारों में सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में, आपको जानकारी है, और बेरोजगारों को 3,500 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार ने घोषणा की थी, भत्ता भी नहीं दे रहे। इस सरकार ने किसानों से धोखा किया, बेरोजगारों से किया, जवानों से किया, महिलाओं के साथ अत्याचार बराबर है, कानून की स्थिति बदतर है। इसलिए राजस्थान सहन करने वाला नहीं है, नहीं सहेगा राजस्थान। कल एक बड़ा विशाल कार्यक्रम पार्टी कर रही है जिसमें शासन से फैला के घेराव किया गया है।